इंदौर नगर निगम ने शहर के सूचीबद्ध गुंडों द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन ने निगम को 15 बड़े गुंडों और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण की सूची सौंपी है, जिन पर अब चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले गुंडे साजिद और जितेंद्र नानू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। पहले चरण में बुधवार को गुंडे साजिद चंदन वाला के अवैध निर्माण को तोड़ने की शुरुआत रानीपुरा स्थित संत रविदास मार्ग स्थित 2 मंजिला ध्वस्त करके की गई। साजिद की 3 दुकानें भी तोड़ी गईं। इसके लिए नाले में पोकलेन मशीन उतारनी पड़ी। दुकानों का निर्माण 30x50 फीट क्षेत्रफल में किया गया था। नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि जितेंद्र उर्फ नानू के अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चलाया गया। दोनों गुंडों ने अवैध कब्जे करके उन पर निर्माण कार्य कर लिया था। गुंडे जितेंद्र का अवैध मकान चंदन नगर थाना क्षेत्र में स्थित है। लंबे समय से प्रशासन गुंडों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की योजना बना रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कार्रवाई लगातार टलती जा रही थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब सरकार की तरफ से भी कार्रवाई शुरू करने का इशारा हो गया है। नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब लगभग हर दिन किसी न किसी गुंडे का अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे अवैध निर्माण उसको तोड़ा जा रहा है, और उसके पास में किसी व्यक्ति का एक और साजिद चंदन वाला है, उसका एक और अवैध निर्माण उसको भी तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जो है ये गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, पुलिस प्रशासन नगर निगम का संयुक्त अभियान ही, और उसी के तहत जो है अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पहले भी ये इस तरह के अभियान चले हैं, संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।